होती है ना नई नई शादी, वो यहाँ पर आते हैं, मतलब मनाने आज़ादी। मैं हूँ फतेह सागर, जो कि काफ़ी फेमस प्लेस है, और ये यहाँ के राजा हुए हैं फतेह सिंह, उन्होंने बनवाया है। उधर देख रहे हैं वो ताज ग्रुप जो है, जैसे मुंबई में ताज होटल ना, उस ग्रुप का ये होटल। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? और जैसे कि आपको बताया कि मैं अभी ऑल इंडिया ट्रैवल कर रहा हूं विदाउट मनी, बिना पैसों के। तो मैं अलीगढ़ से आ चुका हूं उदयपुर, और काफ़ी टाइम से मैं ट्रैवल कर रहा हूं जैसे कि आपको पता ही है। तो आज उदयपुर में आ गए हैं, एंड कल ही आ गया था, कल मैंने पूरे दिन आराम किया, और आज मैं जा रहा हूं, काफ़ी जगह जाएंगे यहां पर एक्सप्लोर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की ब्लॉग की। सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूँगा जिनके यहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ कल से, ठीक है? ये हमारे अंकल जी हैं। हेलो अंकल जी, कैसे हो? बस बढ़िया है। और सब ठीक? सब बढ़िया। तो पहले तो थैंक यू अंकल जी का यहाँ पर अपने शरण देने के लिए। एंड गाइस, ऊपर ये जो आप घर देख रहे हैं, यहाँ पर ही रूम, इस वाले रूम में मैं रखा हुआ हूँ, ये इनकी पावर बिल्ड इंजीनियर्स, काफ़ी बड़ी इनका गोडाउन है जो कि मोटर्स वगैरह एंड पंप वगैरह ठीक करते हैं। तो अभी इन्हीं के साथ चलेंगे। एंड कहाँ कहाँ जा रहे हैं अभी हम? अभी अपन लेक पिछोला और लेक फतेह सागर। तो अभी लेक पिछोला एंड लेक फतेह सागर जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे आपको लेके चलते हैं, बने रहिएगा ब्लॉग में। गाइस, ये अब हम आ गए हैं पिछोला लेक। दूर तो लाइए ये। अच्छा, पिछोला उधर है। ओके, और ये देखो यहाँ से व्यू भाई। गाइस, फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ पिछोला लेक, एंड अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर जाकर कैसा व्यू है। गाइस, यहाँ से देखिए भाई कितना प्यारा व्यू आ रहा है, एंड काफ़ी प्यारी जगह भाई। एंड वो आप बीच में देख रहे हैं, वो एक रेस्टोरेंट है जहाँ से आप नाव वगैरह से वहाँ तक पहुँच सकते हो, ठीक है? उदयपुर में है ये। चलिए आगे और दिखाते हैं। एंड गाइस, उदयपुर जो सिटी है ना भाई, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक तो पॉपुलर है, और एंड दूर दूर से लोग देखने के लिए भी आते हैं, और इसके चारों तरफ आपको बड़े बड़े होटल, जैसे कि आप उधर देख रहे हैं वो ताज ग्रुप जो है, जैसे कि मुंबई में ताज होटल ना, उस ग्रुप का ये होटल है। यहाँ देखो काफ़ी सारे बोट वगैरह खड़े हुए हैं जो कि आपको पूरी लेक का मतलब घुमाएंगे आपको। एंड आप उधर देख रहे हो, वो भी एक नाव चल रही थी उधर, है ना? एंड वो एक वो वाला होटल है, तो वहाँ यहाँ से ही वहाँ जा सकते हैं। एंड ये जो बनवाई थी ना, वो बनवाई थी जय सिंह द्वितीय, राजा जय सिंह द्वितीय, एंड उन्होंने इसकी खोज करी थी शहर की। तो ये वाला आप देख लीजिए, एंड यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा कुछ लिखा हुआ है, और बाकी चलते हैं हम लोग आगे। तो बने रहिए एंड देखते रहिए। एंड गाइस, यही थी अभी लेक, एंड आगे चलते हैं, और आगे जो भी होगा वो आपको दिखाऊंगा। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। और गाइस देखिए, अभी हम आ चुके हैं फतेह सागर। काफ़ी भाई प्यारा व्यू है ये, और नेहरू गार्डन उधर, नेहरू गार्डन है सामने ऊपर वो सर्कल में, और ये देखो क्या प्यारा व्यू भाई। ये सागर है, ये है नाम सागर है, वैसे सागर है उधर। अच्छा, फतेह सागर है भाई, ये देख रहे हो फतेह सागर। ये सामने क्या है? मोती मंदिर। कौन सा? मोती मंदिर में छोटा छोटा दिख रहा है। अच्छा अच्छा, और वो ऊपर नंबर से आ चुका हूँ उदयपुर। एंड मैं आपको बता दूं गाइस, अभी मैं हूँ फतेह सागर, जो कि काफ़ी फेमस प्लेस है, और ये यहाँ के राजा हुए हैं फतेह सिंह, उन्होंने बनवाया है। आपको मैं मिलवाना चाहता हूँ हमारे प्यारे से अंकल जी से, इनका नाम है प्रदीप जी। और अंकल जी कैसे हो आप? बस बढ़िया हैं। और मैं आपको बता दूं, इनकी और मेरी मुलाकात कम से कम 7-8 महीने पहले मथुरा में हुई थी बस में। तो जब से मैंने इनका कॉन्टेक्ट वगैरह ले लिया था कि मैं जब भी उदयपुर आऊँगा तो आपसे मिलूँगा, एंड 2 दिन से मैं इन्हीं के यहाँ पर हूँ, तो अंकल जी ने फुल सपोर्ट कर रहे हैं, एंड आज मुझे घुमा भी रहे हैं। तो अंकल जी थैंक यू आपका घुमाने के लिए। अरे धन्यवाद। और गाइस, इनका भी यूट्यूब चैनल है जिसमें ये इनका मोटरिंग का काम है, तो अच्छा तरीके से दिखाते हैं, समझाते हैं। तो आप जाइए, इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड देखिए यहाँ पे भाई व्यू देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है। तो चलिए, आपको मेरी यात्रा पसंद आ रही होगी, वो भी विदाउट मनी, फ्री में घूम रहा हूँ, पूरा भारत घूमूंगा। अलीगढ़ पे एक राजा हुए हैं फतेह सिंह, उन्होंने बनवाया है, काफ़ी भाई फेमस प्लेस है भाई आपके उदयपुर का। एंड देखिए यहाँ पे बोट वगैरह भी चल रही है, पानी चलिए आगे चलते हैं, बने रहिए ब्लॉग। जैसे कि देखो मुंबई में चौपाटी है ना,
ऐसी आपके उदयपुर में चौपाटी है। और ये जो शहर है ना भाई, काफ़ी ज़्यादा ही पॉपुलर है, क्योंकि यहाँ पर जिनकी होती है ना नई नई शादी, वो यहाँ पर आते हैं, मतलब मनाने आज़ादी। तो भाई काफ़ी प्यारी जगह है एंड पीसफुल है, और सभी तरफ झरने झरने हैं, झीलें ही झीलें हैं। तो बस चलिए, देखते रहिए, बने रहिए। ये देखिए भाई कितना ऊंचा पानी जा रहा है, ये इसी का पानी है, फिल्टर हो रहा है। और देख रहे हो आप कितना प्यारा व्यू आ रहा है, ऑसम व्यू आ रहा है भाई, ऑसम व्यू। ओ भाई ये गेट ओवरफ्लो होता है गाइस, आप देख रहे हो ना यहाँ से भाई जो व्यू आ रहा है ना, ये देखिए पानी दबाई वाला झरना जो चल रहा है ऊपर से फुव्वारा, एंड काफी दूर तक इसका बौछार आ रही है। और ये देखिए काफी प्यारा मौसम हो गया है, धूप भी कम हो चुकी है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मतलब पूरे भारत का नंबर वन है, नाम मुझे पता नहीं क्या नाम है, आप देख लीजिए। और आप आए ना भाई उदयपुर जरूर आए घूमने, क्योंकि मैंने तो भी एक्सप्लोर नहीं किया है, दो चार जगह ही आया हूँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और एक तरफ फतेह सागर आपके एंड दूसरी तरफ ये है। तो चलिए अभी आगे चलते हैं एंड जो जो भी होगा आपको दिखा दे रहा हूँ, एंड आप बस ब्लॉग में बने रहिए। और ये देखिए भाई काफ़ी अलग ही व्यू आ रहा, देख रहे हो। ये है अंडर द सन एक्वेरियम, जो कि इंडिया का फर्स्ट है एंड बिगेस्ट है। चलें सर? हाँ तो चलिए चलते हैं एंड बने रहिएगा ब्लॉग में। गाइस ये देखिए, ये है जगदीश मंदिर जो कि काफ़ी फेमस है, एंड देखो काफ़ी प्यारा बना हुआ भाई।